इनफैक्ट सऊदीया को ज्यादा फर्क पड़ेगा अगर उसने इंडिया से ताल्लुक अच्छे नहीं रखे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो सऊदी अरेबिया स्टार्ट कर रहा है और... मुझे लगता है कश्मीरी लोगों का जो मतलब मेरे खिलाफ है, आई डोंट नो इफ उनका पर्सपेक्टिव मेरे अगेंस्ट अभी भी है या बदल चुका है या अभी आफ्टर Y20 वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। इंटरेस्ट पर बात करने के लिए ये है कि इसलिए वो ये चाहती हैं कि अगर हम किसी मसले में पड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम मसलों में पड़कर हमारी हमारे अपने जो है ना नुकसानात होंगे। हेलो दोस्तों, फैक्ट एंड अनफैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि G20 2023 के कुछ इवेंट्स कश्मीर में भी होने जा रहा है, जिसको रोकने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने जी जान लगा दिया है। इस इवेंट को रोकने के लिए पाकिस्तान की सरकार, सऊदी अरब और OIC के अदर मेंबर्स जो कि G20 के भी मेंबर्स हैं, उन पर पाकिस्तान की सरकार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो G20 के कश्मीर वाले इवेंट में ना जाए। हालांकि पाकिस्तान ये सब करने में सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है और हो सकता है कि चाइना के अलावा G20 के सारे मेंबर्स कश्मीर विजिट करें। इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के लोगों की तरफ से मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको पाकिस्तान के लोगों की प्रतिक्रिया दिखाते हैं। G20 के हवाले से बात करेंगे कश्मीर में, हम G20 के हवाले से बात करेंगे कि आजकल बहुत ज्यादा खबरों में है। मुझे ये बताएं, चाइना ने अभी खबर आ रही है कि बोला है कि शायद वो G20 को अटेंड नहीं करेंगे, G20 मीटिंग्स जो कश्मीर में होने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? क्या कहूँ, मतलब चाइना के नहीं आने से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखिए, इस बार जो G20 की समिट है उसके कोर मुद्दे कौन से हैं? हाँ, कश्मीर में ज्यादातर तो टूरिज्म में ही फोकस होगा, लेकिन कोर मुद्दे कौन से हैं? मुद्दे हैं फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, मुद्दे हैं यू नो ह्यूमन एम्पावरमेंट, बहुत ऐसी स्पेशली वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो आप सोचिए, जिस कंट्री ने पूरी दुनिया को COVID-19 जैसा वायरस दिया, वो कंट्री क्या ग्रीन डेवलपमेंट की बारे में बात कर सकती है? वो तो लायक ही नहीं है उस ग्रीन डेवलपमेंट की बात करने की। जो कंट्री कम्युनिस्ट है, जहाँ पे डेमोक्रेसी ही नहीं है, वो कंट्री क्या वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में बात करेगी? और रही बात, बहुत सारे मुस्लिम मेंबर नेशंस जो हैं वो आ रहे हैं। अच्छा, तो अब चाइना तो अपने मुस्लिम जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको इज्जत ही नहीं देता है, तो वो क्या मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात क्या करेगी ऐसी कंट्री? वैसे भी आकर करेगी क्या? और दूसरा, चाइना पता है कभी बोलते हैं, नहीं आप मेरी बात सुनिए, कभी बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में हम नहीं जाएंगे G20 में क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कश्मीर में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो चाइना जो है डिल्यूजनल साउंड करने लगा है इस तरह की बातें कर करके। इट्स साउंडिंग डिल्यूजनल, नॉर्मल नहीं लगता कोई कंट्री जब इस तरह से बार बार बोलती है, इट डजंट लुक नॉर्मल। और आपने सिर्फ चाइना की बात की, वैसे दूसरी भी कंट्रीज है। खैर, आप मुझे सवाल पूछेंगे, आपने सिर्फ चाइना की बात की तो मैंने चाइना का आपको बता दिया। ठीक है, नहीं मैंने चाइना से स्टार्ट किया, आपने बोला बहुत से इस्लामिक कंट्रीज हैं जो कि आ रहे हैं। सऊदीया, जिसके बारे में कहा यह जा रहा था कि इंडिया के साथ बहुत ज्यादा अभी रिलेशन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इसके अलावा कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको लेके भी खबर ये आ रही है कि वो अपना G20 को नहीं अटेंड करेंगे। जो इंडिया में शायद उनके डिप्लोमेट्स हैं वही बस जाएंगे G20 में कश्मीर में, और अदरवाइज वो अटेंड नहीं करेंगे। तो सऊदीया से भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा अगर सऊदीया नहीं आता? इनफैक्ट सऊदीया को ज्यादा फर्क पड़ेगा अगर उसने इंडिया से ताल्लुक अच्छे नहीं रखे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो सऊदी अरेबिया स्टार्ट कर रहा है और वो चाहता है कि टूरिज्म वहां पर बूम हो, और सऊदी अरेबिया को अच्छे से पता है कि इंडियंस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट अगर उन्होंने ये किया, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेवलर्स ऑन देयर एयरलाइंस आर इंडियंस, यू नो, और उनकी लेबर फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा इंडियन है। तो इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं रख के सऊदी को फर्क पड़ सकता है? इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, देखिए, चाइना इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि चाइना इंडिया को एक इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर की तरह देखता है, दैट्स द रियल रीजन। ठीक है ना, चाहे एप्पल स्टोर इंडिया में खुल जाना, चाहे ऑस्ट्रेलिया को मेक इन इंडिया जो है ट्रेन सप्लाई करना, या ओवरऑल जो मेक इन इंडिया का पूरा बूम जो चल रहा है, और दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जो अब इंडिया से खरीदने लगी, ठीक है, बनस्बत चाइना के। तो इसकी वजह से चाइना को इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया के ग्रोइंग
इकोनॉमिक पावर की वजह से, इंडिया के एग्जिस्टेंस की वजह से, तो चाइना तो पूरी कोशिश करेगा कि पूरा ही इंडिया डिस्प्यूटेड लगे, तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। रही बात इस्लामिक कंट्रीज की आपने बात की, तो रही बात इस्लामिक कंट्रीज की, आप दो इस्लामिक कंट्रीज का नाम बार बार ले रहे हो जो नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो चार जो आ रहे हैं उनका तो नाम नहीं लेते। ओमान आ रहा है, इंडोनेशिया आ रहा है, और यूएई आ रहा है, मेरे ख्याल से और दो तीन हैं जो विचार मुस्लिम कंट्रीज जो आ रहे हैं उनका तो अपना, बांग्लादेश आ रहा है, लेकिन आप उनका नाम ले रहे हो जो नहीं आना चाहते। टर्की, देखिए आपको एक चीज समझने की जरूरत है, हालांकि प्रेसिडेंट सीसी जो है वो मोदी से मिले और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इजिप्ट से टेररिज्म खत्म हो जाए, तो उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो रजिस्टर नहीं करेंगे, आएंगे नहीं, उनसे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड, इजिप्ट में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है और इवन टर्की में इस वक्त, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका घर चलता है प्रोपेगेंडा करने की वजह से, और प्रोपेगेंडा से क्या है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ डोनेशन आता है, चाहे वो फलस्तीन के नाम पे आए, ज़कात जो आता है, चाहे वो कश्मीर जिहाद के नाम पे आए। तो अब कश्मीर जिहाद ही नहीं रहेगा तो उनके पॉकेट में धक्का लगेगा भाई, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इंडस्ट्री है, जो चंदा उनको मिलता है जिससे उनका घर चलता है, वो कुछ काम तो करते नहीं आते जो ये लोग हैं, जो इजिप्शियन, इजिप्ट तो अड्डा है ना मुस्लिम ब्रदरहुड का, तो आप समझ सकते हो ये सारे लोग अपना पैसा ज़कात पे चलाते हैं अपना घर, जो फलस्तीन और कश्मीर जिहाद के नाम पे आता है, तो ऑब्वियसली उनको ये तकलीफ होगी, और जो वहां की जो हुक्मरान है वो अपने लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं। सो आई डोंट, अगर G20 मीटिंग की बात की जाए जो कि श्रीनगर में हो रही है, एंड कश्मीर की वजह से पाकिस्तान कह रहा है कि हमने वहां पर नहीं जाना और हमें जाना भी नहीं चाहिए, अगर मुस्लिम ममालिकों की बात की जाए जैसे सऊदी या तुर्की की बात की जाए, तो वो पाकिस्तान के इस फैसले को रद्द करके उस मीटिंग में पहुंचे हुए हैं जो कि अगले हफ्ते होने वाली है, आपको क्या लगता है कि हर मुल्क पाकिस्तान से पीछे क्यों हटता जा रहा है, स्पेशली मुस्लिम ममालिक जिनसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, मुस्लिम ममालिक की बात करते हैं तो हमारे यहाँ यूनिटी नहीं है, क्योंकि OIC हमारी जो हमारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है और उसको हम सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन UN के बाद उसको हम मानते हैं, तो एक तो ये है कि एक ही हमारे पास फॉरम है जो फेल होता जा रहा है। सेकंडली ये बात कि अब 21st सेंचुरी में ना स्टेट्स जो है अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना चाह रही हैं, अब नेशनल इंटरेस्ट पर बात करने के लिए ये है कि इसलिए वो ये चाहती हैं कि अगर हम किसी मसले में पड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम मसलों में पढ़कर हमारे अपने जो है ना नुकसान होंगे, तो और सेकंडली हम कश्मीर की वजह से इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि कश्मीर भी तो एक हमारा प्रॉब्लम है जो हमारे इंडिपेंडेंस से स्टार्ट होता है, इंडिपेंडेंस से हम जिसको मतलब जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर हम कश्मीर में जो मीटिंग हो रही है वो अटेंड नहीं करते हैं तो हमारा फ्यूचर क्या है? हमारा फ्यूचर ये है कि हम चुप हो जाएंगे, अगर हम चुप हो जाएंगे तो ऑब्वियसली कश्मीर में अब देखें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतनी वायोलेशन करता जा रहा है इंडिया, उन्होंने आर्टिकल 370 की रिवोकेशन की है, आर्टिकल 35A की रिवोकेशन की है, और वहाँ मतलब जो वहाँ की आवाम है उसको सप्रेस करके अपनी हेजमनी क्रिएट करता जा रहा है उधर, तो अगर हम अभी भी चुप रहेंगे तो वो इंडियन गवर्नमेंट जो है ओवरऑल जितनी भी चीज़ें रहती हैं सारी चीज़ें सप्रेस करके कश्मीर अपने नाम कर देगा। तो फिर मुस्लिम मालिक क्यों नहीं हमारा साथ दे, उनको तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। अब ये है कि मुस्लिम मालिक, मैंने पहले ही ये बात की ना, हर किसी के अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, नेशनल इंटरेस्ट है, और मुस्लिम मालिक को एक साथ ले कर जाने के लिए जो है एक ही पेज है हमारा OIC। अब अगर वो काम नहीं करेगा तो कौन काम करेगा? अब देखें OIC जो दो कंट्रीज़ मिडल ईस्ट की आपस में लड़ रही थी, ईरान और सऊदी अरेबिया, उसको OIC ने उनको मतलब डिप्लोमेटिक वेज से जो है आपस में रीअप्रोचमेंट नहीं करवा सका, बीच में चाइना एज अ मेडिएटर जो कि मतलब एक एशियन कंट्रीज में आ जाता है तो वो आकर उनको जो है सही करवा रहा है, तो अब हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी OIC कितना पीछे है। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का खास करम है। नाम आपका सर? अहमद हुसैन। सर करते क्या है? सर जॉब करता हूँ मैं। ज़बरदस्त हो गया सर। बेसिकली बात करने का आपसे पर्पस ये है, जो मौजूदा हालात है मुल्क के अंदर, इन हालात कैसे पैदा हुए और कैसे ठीक कर सकते हैं? सर देखिए, हालात जो पैदा हुए हर बंदा ही जानता है, जो मौजूदा हमारे हुक्मरान है उनके ये पैदा करता है हालात, वो ठीक भी उन्होंने करने हैं या फिर आवाम बाहर निकलेगी तो जिस तरह वो आवाम के साथ कर रहे हैं, जो निकलता है पकड़ दकड़ झूठे केस ये, तो उस तरह तो फिर हालात ठीक नहीं होंगे, मजीद ख़राब होंगे, ठीक नहीं होंगे। सर क्या मौजूदा हुकूमत दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात बनाने में अच्छा साबित हुई या नहीं? नहीं सर, फिलहाल तो हमें नहीं लगता कि वो अच्छा साबित हुए हैं, सिवाए वो अपने शॉपिंग के दौरे करने के
या अपनी एक आउटिंग के सिस्टम में कह लें कि वो दौरे करते हैं, विजिट करते हैं बाहर के, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सऊदीया जैसे कंट्री, सऊदीया जैसे मुल्क, जिसे वो सऊदीया जिसे पाकिस्तान को अपना राइट हैंड कहता होता था, लेकिन आज सऊदी अरेबिया भी हमसे जान छुड़वा रहा, हमसे दूर भाग रहा, हमारी बात कोई नहीं मान रहा, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? बहुत सबको पता है ये करप्ट हुक्मरान है, करप्ट लोगों का टोला है। किस किस तरह की वो प्रूफ कर रहे हैं गारंटी देने के लिए या कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हम कुछ देर के लिए कुछ अरब जो डॉलर्स हैं वो ले लें, सऊदीया भी नहीं दे रहा उसको एतमाद होगा बंदा? आप, मैं आपको कुछ चीज़ देता हूँ, मुझे एतमाद ही नहीं है कि यार इसने बंदे ने वापस ही नहीं करनी तो मैं आपको कैसे दे दूँगा, तो सिंपल सी बात है। अभी G20 के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, G20 की मीटिंग इंडिया के अंदर हो रही है और इंडिया ने कश्मीर के अंदर रखवाई है, तो पाकिस्तान ने, अभी सऊदी अरेबिया भी उसका मेंबर है और तुर्की भी उसका मेंबर है, तुर्की पर पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि भाई आप ना जाओ, हमारा मौक़िफ कश्मीर के अंदर ख़राब हो जाएगा अगर आप जाएंगे, आप हमारी सपोर्ट करो, आप ना जाओ, तुर्की ने भी रिजेक्ट कर दिया। अभी आज की न्यूज़ है, आज की खबर है, सऊदी अरेबिया ने कहा कि आपके टर्म एंड कंडीशंस इंडिया के साथ अच्छे नहीं होंगे, हमें तो रहने दो भाई, हमने तो बिज़नेस करना, आप लोग अगर इंडिया के साथ बिज़नेस करते, ट्रेड करते, तो आज आपकी इकोनॉमी भी ठीक होती। क्या कहना चाहेंगे, सऊदी अरेबिया ने सही कहा, सही जवाब दिया हुकूमत को या मौजूदा हुकूमत को या नहीं? बिल्कुल ठीक कहा, मैं इसके साथ 100% एग्री करता हूँ। हमारे हुक्मरानों को सिर्फ अपने ज़ाती मफाद अजीज हैं, बिजनेस सिस्टम में आप अपने ये बॉर्डर्स को खोल दें, मेरे ख्याल से हमें किसी और के साथ बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी बड़ी मार्केट इंडिया है, जो हम लोग मार्केट्स में बैठ के, मैं भी शालमी के दुकानदार के पास ही काम करता हूँ, तो जो लोग हम सुनते हैं ना वहाँ पर बैठ के, जितनी बड़ी मार्केट है इंडिया की, मेरा ख्याल है कि हमें किसी और दूसरी तरफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर, ये आपको नहीं लगता कि जुल्म नहीं है आवाम के ऊपर, जो मौजूदा सिनेरियोज़ के अंदर चीज़ें इतनी महंगी हो गई है और रोडों के ऊपर जब आवाम अपने हक के लिए निकलती है तो शेलिंग्स होती हैं, लोगों के जाने जाती हैं, लोगों के घर चले गए सर, रोटी की ना मिलने की वजह से, आटा ना मिलने की वजह से लोग भूखे मर गए सर, इंसाफ कैसे होगा? सर, लोगों के घर चले गए, आप ये देखें कि लोग चले गए, लोगों पर शेलिंग हुई है, गोलियाँ चलाई गई हैं, लोग मर गए हैं, जवान बच्चे मर गए हैं लोगों के, लेकिन इन हुक्मरानों को अल्लाह माफ़ करे किसी किस्म का किसी का कोई ख्याल नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी आए थे, उस वक्त ये वज़ीर-ए-आला थे, 2 रुपये की रोटी दी थी, तो इस वक्त ये 5 रुपये की रोटी नहीं दे सकते मौजूदा दौर में, अब वो पॉलिसीज़ ख़त्म हो गई हैं, सारा कुछ वैसे ही है यार, सब कुछ इनके पास है, इनके हाथ में है। जब राणा सनाउल्लाह जैसे लोग बिठाए होंगे हम लोगों पर, इम्पोर्ट करके इसहाक़ डार साहब बुलाए जाएंगे, तो फिर ऐसे हालात ही आएंगे ना, अचानक से आप समझते हैं यार अब हमारे ऊपर केस बढ़ने वाले हैं, हम लोग अंदर जाने वाले हैं लॉन्ग टाइम के लिए। फरहाना, एज आई नो कि यू बिलोंग टू इंडस्ट्री, तो आप फैशन इंडस्ट्री, बॉलीवुड एक्टिंग इंडस्ट्री सबसे बिलोंग करते हो, तो हमेशा कश्मीर के अंदर या कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी हो तो उसके अंदर इस चीज़ को पॉजिटिव परस्पेक्टिव से नहीं देखा जाता। एक ऐसी कम्युनिटी से निकल के टुडे यू आर रिप्रेजेंटिंग यूथ ऑफ कश्मीर, तो क्या अब लोगों का परस्पेक्टिव बदला आपको लेकर या अभी भी वही है? देखिए, मुझे लगता है कश्मीरी लोगों का जो मतलब मेरे खिलाफ है, आई डोंट नो इफ उनका पर्सपेक्टिव मेरे अगेंस्ट अभी भी है या बदल चुका है या अभी आफ्टर Y20 वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। आई रियली डिडंट बॉदर टू अंडरस्टैंड इट, टू जस्ट सी कि क्या बोलते हैं लोग, अभी तो मैं Y20 में गई हूँ, व्हाट डू दे थिंक अबाउट मी। आई एम वेरी श्योर कि मोस्टली शायद ही खुश ना हो, यू नो, शायद बिकॉज ऐसा होता है कि एक एक्टर प्रेजेंट कर रही है, एज मैं एज एलुमनाई ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी आई वाज प्रेजेंटेड एज अ पैनलिस्ट, मतलब नॉट एज एन एक्टर, एज एलुमनाई ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी, सो उस हैसियत से मैं नेशनल पैनलिस्ट थी। एंड कश्मीरी यूथ का मेरे रिगार्डिंग क्या ख्यालात है, क्या नहीं ख्यालात है, जैसे मैं आपको बोला पिछली बार भी हमारी बात हुई कि एक्टिंग को लेकर ज़्यादा एक्सेप्टेंस है नहीं, बट क्या पता शायद इस चीज़ को लेके कि एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपनी आवाज़ को आगे रखने का, अपने विजन्स को, आइडियाज़ को आगे रखने का। मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेके कश्मीरी यूथ का अभी माइंडसेट चेंज हो सकता है एंड होना भी चाहिए, बिकॉज दिस इज द हाई टाइम, अभी नहीं तो फिर कभी हो सकता है। फरहाना, आने वाली G20 जो है वो यूथ को तो बहुत ज़्यादा उसके लिए बेनिफिशियल होगी ही होगी, बट व्हाट यू थिंक इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया के टूरिज्म के लिए, कश्मीर के लिए बाय इटसेल्फ कितनी बेनिफिशियल हो सकती है? जो ये समिट है ग्लोबल 20 G20, तो इसका तो मकसद यही है कि इकोनॉमी को बूस्ट करे हर एक कंट्री को,
इसका मेन मकसद यही है. एंड इंडिया अभी इंडिया की प्रेसिडेंसी में अभी इंडिया का वन ऑफ द गोल इज कि वो फ्री ट्रेड करे अक्रॉस द वर्ल्ड, यू नो, बाकी कंट्रीज के साथ, ताकि उसके अपने रिलेशंस, अपने टर्म, जितने भी कंट्रीज हैं, जितने G20 में हैं या G20 से बाहर हैं, उन सब के साथ रिलेशन स्ट्रांग हो जाए. एंड अगर मैं स्पेसिफिकली कश्मीर की बात करूँ, बिकॉज अगर लास्ट टाइम मैंने आपको कहा कि अगर हम देखें इंडिया के बाकी स्टेट्स के लिहाज से, कश्मीर किसी न किसी रीजन से इकोनॉमी थोड़ा पीछा पीछे रह गया है, सॉरी. तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि टूरिज्म की अगर बात करें, टूरिज्म तो हमेशा से चलता आ रहा था, टूरिज्म में आई डोंट थिंक कोई भी खलल पड़ी. टूरिज्म ऑलवेज लाइक इफ इट गोज डाउन इट कम्स अप इमिडिएटली. सो इससे हमें ये फायदा होगा कि हमारे बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज या प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, वो भी फ्लोरिश करेंगे. जैसे कि बाहर के जितने भी लोग हैं जो ये मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम G20 मीटिंग की बात करें जो कि कश्मीर में हो रही है, श्रीनगर उसके कैपिटल है, वहाँ पर हो रही है, और अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने कहा है हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, और मुस्लिम ममालिक सारे वहाँ पर जा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान की बात नहीं सुन रहे. मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दे रहे? फिलहाल पाकिस्तान के साथ तो उसका तो मुझे कोई इतना खास आइडिया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तो G20 मीटिंग में इस वजह से नहीं जा रहा क्योंकि वहाँ पे वो पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर में नहीं हो रहा, वो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया. तो दैट्स वाई पाकिस्तान इज नॉट इवन विलिंग टू क्रॉस द बॉर्डर्स एंड गो टू इंडिया फॉर अ मीटिंग एंड सम काइंड ऑफ पीस. दैट्स इट. तो फिर पाकिस्तान करना क्या चाह रहा है? इस तरह तो हम हर मुल्क से ताल्लुक तोड़ते जा रहे हैं अपना. फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए पाकिस्तान की अपनी कहाँ पे वो स्टैंड कर रहा है, हम लोगों के अपने इंटरनल मसले अभी तक सॉल्व नहीं हो रहे, तो ये बैरूनी अब अपने आप को अपने वही ना अपने ऊपर फोकस नहीं करना, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके कश्मीर चले जाना है, तो आई डोंट थिंक इट्स अप्रोप्रिएट. पहले अपने अंदर अपने आप को खुद सही कर लेना चाहिए, फिर कश्मीर की तरफ जाना चाहिए. बात आपने बिल्कुल सही की है कि हमें खुद सही होना चाहिए फिर कश्मीर की बात करनी चाहिए. यहाँ हमें दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है लेकिन हमारे मसले इतने खड़े हुए हैं यहाँ पर. अब ये तो डिपेंड करता है, बाज़ दफ़ा हम लोगों का सो कॉल्ड इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मोस्टली लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि जब रिस्क का वादा खुदा ने किया हुआ है ना, तो फिर घबराना नहीं चाहिए. लेकिन उसके लिए ये भी नहीं है कि आप मेहनत ही ना करो, मेहनत करना भी लाजमी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आता है कि कहीं ना कहीं से तो रोटी मिल ही जाती है लोगों को. आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को ये सोचकर ये चीज़ पीछे रख देनी चाहिए कि रेदर जम्मू एंड कश्मीर है तो हमें फिर भी जाना चाहिए, ताकि बाकी मुल्कों के साथ हम अच्छे ताल्लुकात कायम करें और अपनी इकोनॉमी को मजबूत करें? अब ये तो पाकिस्तान के अपने फॉरेन जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है. पाकिस्तान को चाहिए कि एक दफ़ा बैठ के कोई अपने फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक सोचें, थोड़ा सा अपने ही आप अपने अंदर से बाहर निकलें और ग्लोबली सोचें कि पूरी दुनिया में चल क्या रहा है और वहाँ स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं. हम ग्लोबली सोचना ही चाहते हैं, अगर ग्लोबली सोचा होता तो आज पाकिस्तान कहाँ होता? अगर ग्लोबली सोचा होता तो आई डोंट थिंक सो कि अवाम आपकी कोर कमांडर हाउस के अंदर घुस रही होती, और भी चीज़ें थी सोचने के लिए. तो आप जो कोर कमांडर के घर में घुस गए हैं उसके बाद फिर आप खुद देख लें कि मजीद मुल्क की क्या हालत हो चुकी है, एंड सेकेंडली अगर बात करें तो अपनी इकोनॉमी को मजबूत कैसे करें? मुझे उससे तो कोई कंसर्न नहीं है इतना खास, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, मेरे तायाबू भी फिलहाल आर्मी में है, मुझे उससे तो कोई लेना देना नहीं है. लेकिन मेरा ये जरूर, मैं खुद आर्मी के बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ. हाँ तो लेकिन तो फिर आप ये चीज़ तो सोचे ना कि ये जहालत नहीं है कि आप अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों को तबाह करने पे तुले हुए हो सिर्फ इमरान खान के लिए. सही है, नो डाउट ही इज़ ए लीडर, जिसके पास शऊर है उसका वो लीडर है, लेकिन ये कौमी असासों को जला देना, सवात इंटरनेशनल, सवात इंटरचेंज को आग लगा दी, फोर्ट्रेस जाए आप उन्होंने चेक पोस्ट को सारी तोड़ी हुई है, लोगों के AC ले गए, शीशे तोड़ दिए, तो ये कहाँ का सिनेरियो है, ये कहाँ का इंसाफ है? आज का सवाल ये है कि अगर हम G20 मीटिंग की बात करते हैं जो कि श्रीनगर में होने वाली है अगले हफ्ते, अगर देखा जाए तो ये काफ़ी चर्चे में रही है बात, क्योंकि पाकिस्तान ने स्टांस दिया है कि हम नहीं जाएंगे श्रीनगर क्योंकि कश्मीर में रखवाई गई है वो. अब बाकी मुस्लिम ममालिकों की बात करें, जैसे सऊदीया की बात करें, तो उसने भी पाकिस्तान की बात को रद्द किया है और मीटिंग अटेंड कर ली है. क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को कश्मीर नहीं जाना चाहिए या दूसरे मुल्कों से नहीं मिलना चाहिए, अपनी इकोनॉमिकली पोजीशन को मजबूत बनाना चाहिए? मेरे तो ख्याल है कि पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि पहले तो पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन को देखना चाहिए. लेकिन दूसरा, जिस तरह आप देख रहे हैं कि क्रिकेट के मामलों में भी भारत हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ऐसी जैसी मीटिंग जो अगर कोई भारत रख रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें हमें जाना चाहिए. हमें पहले अपने इकोनॉमिकल सिचुएशन को देखना चाहिए, क्योंकि ये तो हम देख रहे हैं कि हमें सारे ममालिक ने तनहा कर दिया हुआ है. लेकिन हम आप अगर इकोनॉमिकली मजबूत होंगे
तो इंशाल्लाह बाकी सारे मुल्क भी हमारा साथ देंगे और हम ऐसी मीटिंग्स हमारे पास होंगी और उसके बाद हम कश्मीर का मुद्दा तो हमारे पास है, फौज हमारी उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कुछ कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। तो पहले तो इकोनॉमिकल सिचुएशन को देखना चाहिए। बिल्कुल आपने बात सही की, इकोनॉमिकल सिचुएशन को देखना चाहिए। तो क्या इस इकोनॉमिकली सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें दूसरे ममालिक से नहीं मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए। हमें क्यों इनकार कर देते हैं? हमें देखिए दूसरे ममालिक समटाइम हमारा स्टांस नहीं देखते क्योंकि हमारा कश्मीर का मसला तो हमारे साथ है, तो हमारे साथ जो ज्यादा हो रही है दूसरे ममालिक को तो हमारा साथ देना चाहिए। लेकिन ऑब्वियस बात है कि इस वक्त हर चीज़ इकोनॉमिकल सिचुएशन को देखी जा रही है। भारत के पास पैसा ज़्यादा है तो सारे मुल्क तो उसी की बात मान रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, सदा वक्त हमेशा नहीं रहता, इंशाल्लाह हमारा वक्त भी आएगा तो इंशाल्लाह हम भी ऊपर आएंगे, इंशाल्लाह एक वक्त टाइम आएगा कि दूसरे ममालिक हमारा भी साथ देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। I'm not surprised कि ये लोग नहीं आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया जो है वो कहते हैं ना धर्म युद्ध में फंसा हुआ है, हालांकि वो चाहता है कि चाहे इंडिया हो या इसराइल रिलेशंस अच्छी हो, जो अभी जो MBS हैं जो उनके रूलर हैं उनके किंग, ही इज वेरी ब्रॉड माइंडेड, ही इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल रूलर, लेकिन कभी कभी वो होता है ना मौलवी मुतवे लोगों के बीच में दब जाते हैं, जैसे आपका पाकिस्तान भी दबा हुआ है अभी तक, तो ये चीजें होती है। सो वी अंडरस्टैंड दैट जब आप मौलवी मुतवों को इतना पावर देंगे तो आप प्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, तो इट्स अ फैक्ट जी। अच्छा याना, मैंने आपकी गुफ्तगू से, आपकी बातों से, और ना सिर्फ आपकी बातों से, जितने भी इंडिया से हम जर्नलिस्ट देखते हैं या एक्टिविस्ट देखते हैं, इवन आम जो पब्लिक है, कॉमन पब्लिक है इंडिया की, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस इन दिनों हम देख रहे हैं पब्लिक में। आज अगर किसी से बात करें चाइना के साथ कैसे रिलेशन, वो कहता है चाइना कौन, हमें चाइना से फर्क नहीं पड़ता, आपने बोला चाइना का क्या, सऊदीया का क्या, मतलब ये कॉन्फिडेंस यूथ में कैसे आया, ये विजन का कोई फर्क है, पीएम मोदी की जो विजन है उसको लेकर आप लोग चल रहे हैं, या फिर एजुकेशन का फर्क है, या फिर आप कह लेंगे अपनी खामियों को छुपाने के लिए इतना कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, मतलब वो एक माइंड में बात आ रही है तो आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए कॉन्फिडेंट हम लोग इसलिए हैं बिकॉज यस, जब से मोदी जी पावर में आए हैं, स्टार्टिंग में हमें भी लगता था ये क्या प्राइम मिनिस्टर है भाई, ये खाली दुनिया घूमने में इंटरेस्टेड है, लेकिन जो उन्होंने इंडिया का एक ओहदा जो है, हमारी जो इज्जत उन्होंने एक बनाई है पूरी दुनिया में कि इंडियंस आर सुपीरियर रेस, अनफॉर्चुनेटली उनसे पहले जो भी रूलर्स थे उन्होंने इंडियंस को इंफीरियर रेस दिखा के रखा, बिल्कुल यही एक होता ना, वो सुनिए ना मेरी बात, एक वो अंग्रेज कॉम्प्लेक्स था उनके अंदर, जो मोदी जी से पहले जो रूलर जो हमारे यहाँ हुक्मरान थे, हुकूमत होती थी, उनको एक अंग्रेजों वाला कीड़ा था कि इंडियंस को हमेशा दिखाओ कि दे आर इंफीरियर, क्यों, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से वो भी बहुत सारा चंदा लेते थे कि भाई इंडियन भूखे नंगे हैं, मर रहे हैं, तो हमें उनके पेट भरने के लिए पैसा चाहिए, तो वर्ल्ड बैंक से बहुत बड़े बड़े फंड्स उठाया करते थे जिसमें से शायद 1-2% वो इंडिया के डेवलपमेंट में डालते थे, बाकी अपनी तिजोरी में डालते थे। वरना आपको क्या लगता है ये जो पूरा ऊपर से नीचे जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो चलकर जो इतनी बड़ी रैली करते हैं, ये सब फंडिंग कहाँ से आती है उनको, आप खुद सोचिए ना। तो एनीवे पता नहीं कितने हजारों स्कैम्स हुए थे 60 सालों में, हर एक चीज में स्कैम, जब वर्ल्ड बैंक से पैसा आता था 2G लाने के लिए इंडिया में उसमें भी स्कैम, जब वर्ल्ड बैंक से पैसा आता था कोल को यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उसमें भी स्कैम, हर एक चीज में कोल स्कैम, 2G स्कैम, 3G स्कैम, हर एक स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, मतलब इतने स्कैम होते थे, तो आप सोचिए कि वो एक जमाना था, और आज एक जमाना है जब मोदी जी ने अपनी पूरी एनर्जी और अपनी पूरी गवर्नमेंट को इसी चीज में डाल दिया कि पूरी दुनिया में इंडिया शुड लुक लाइक द फास्टेस्ट, नॉट ओनली लुक लाइक बट हैज प्रूव्ड इटसेल्फ टू बी वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज, और लोगों की आप देखिए हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, एजुकेशन सेक्टर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग तो इंडियंस ही है, ये तो आपको मानना चाहिए, दुनिया की जो भी आप कंट्री ले लो, जो CEOs हैं जिन जिन कंट्रीज में, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं फॉर्च्यून 500 कंपनीज में, सबसे ज्यादा CEOs इंडिया में है, इंडिया के हैं, इवन अब तो CEOs के भी पार हो गए, अब हम जो है फॉरेन कंट्रीज को रूल भी करने लगे, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो फॉरेन कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर भी बन रहे, CEOs तो हम पहले बना करते थे, अब तो हमने उसको भी रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, अब हम प्राइम मिनिस्टर बनने लगे दूसरी कंट्रीज के, तो आप सोचिए अगर हमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली वी आर अ सुपीरियर रेस एंड वी हैव ऑलवेज प्रूव्ड दैट थ्रू आउट हिस्ट्री, आप पूरे हिस्ट्री में ले लीजिए, हम कभी मुंह उठाकर किसी और की कंट्री में नहीं गए रूल करने के लिए, अटैक करने के लिए, लूटने के लिए, लेकिन हमारे कंट्री में हमेशा चाहे वो अंग्रेज हैं, पोर्चुगीज हैं, चाहे वो अरबी हैं, सब हमारी कंट्री में घुसने की कोशिश उन्होंने की है, चाहे वो चाइना भी है ईस्ट से, लेकिन हम कभी कहीं कह नहीं, क्योंकि हम हमेशा सेल्फ
सफिशिएंट रहे हैं और मोदी जी की गवर्नमेंट ने इस चीज को फिर से G20 की मीटिंग के अंदर सऊदी अरेबिया इंडिया जा रहा है और इंडिया के कश्मीर के अंदर जा रहा है। यहाँ से पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया पर बड़ा दबाव डालने की कोशिश की, सऊदी अरेबिया को कहा कि आपने G20 के समिट को अटेंड करने इंडिया नहीं जाना, और सऊदी अरेबिया के आगे से जवाब सुनने वाला है। सऊदी अरेबिया ने कहा कि आपके टर्म्स इंडिया के साथ अच्छे नहीं है, तो भाई इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हम टर्म्स को बेहतर करना चाहते हैं, रिलेशन को बेहतर करना चाहते हैं, हम डेवलप होना चाहते हैं, इसीलिए मैं G20 की मीटिंग अटेंड करने जरूर जाऊंगा इंडिया। ये है कहना सऊदी अरेबिया का। तो गाइस, हम दुनिया से इतने पीछे क्यों रह गए हैं? आज दुनिया हमें क्यों नहीं पूछ रही? आज हम दुनिया से इतने पीछे क्यों रह गए? इन सब सवालों के जवाब दूंगा गाइस आज की इस वीडियो के अंदर। देखते हैं पाकिस्तान रिपब्लिक क्या मेरी राय देती है, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक फसला, शुक्र। नाम आपका? रफाकत अली चीमा। क्या करते हैं? बिजनेस छोटा सा करता हूँ। सही हो गया सर। सर, मौजूदा सिनेरियोस को, हालात को कैसे देखते हैं मुल्क के? हालात मुल्क के हालात इस वक्त तो बहुत खतरनाक हद तक जा रहे हैं। असल में बात यह है कि ये जो अदारों पर अटैक कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहा है। इन सियासी लोगों को अदारों पर अटैक नहीं करना चाहिए, अदारों को अपनी जगह पर काम करना चाहिए, और अदारे भी ये समझ लें कि अब जो है ना रिश्वत वाला दौर जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। जो पीछे दौर था ना, तो उसने कुछ किसी अदारे के पहले कुछ नहीं छोड़ा। अदलिया थी वो भी ऐसे ही जो है ना, वो भी खुदा ही हाफज है उसका भी, वो भी पैसे लेके वो भी जो मर्जी करवा लो उसे। और ऐसे ही ये हमारी पुलिस है, और एक ही अदारा बचा है जो रिश्वत नहीं लेता, उसका नाम है मिलिट्री फौज है। तो मेरा ख्याल है कि फौज को जो है ना वो काम करना चाहिए, और इन अदारों को हैंड ओवर करना चाहिए, इन अदारों को जो है ना इनके मुताबिक काम करवाना चाहिए इनसे। खुद ब खुद तो ये काम करते नहीं हैं, ये अदारे ही हैं, यही एक अदारा है हमारे पास जो मिलिट्री है, यही इन सब को सीधा कर सकती है, सियासी लोगों को भी, अदारों को भी। और ये ब्यूरोक्रेट जो है ये तो बेलगाम है, ये तो जहाँ चाहते हैं वहाँ ही अपनी दिहाड़ी लगाते हैं और साइड पे हो जाते हैं। तो मैं तो यही कह सकता हूँ सर, जिस मुल्क में रिश्वत चलती हो क्या वो मुल्क तरक्की कर सकता है? बात तो यही है कि हमने कौन सी तरक्की की है पिछले 70 सालों में, क्या किया हमने? इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया, बांग्लादेश हमसे इतना आगे चला गया कि आप सोच भी नहीं सकते। और उस हमसे उन्होंने आज़ादी ली है, वो हमसे आज़ाद हो गए हैं, और अब बाद में आज़ाद हो गए उन्होंने इतना मतलब कि जो तरक्की की है आप सोच नहीं सकते। सर, एक सवाल यहाँ पर एक और पूछूंगा जो कि बहुत ज़रूरी पूछना आपके लिए। सर, G20 की मीटिंग है, जो ग्रैंड मुल्क होते हैं, बड़े मुल्क जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, सर वो G20 की मीटिंग अभी जो उस जिसको होस्ट कर रहा है वो इंडिया होस्ट कर रहा है अभी, तो अभी पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को कहा कि आप G20 की मीटिंग अटेंड करने के लिए इंडिया ना जाएं। तो सऊदी अरेबिया ने मुंह पर मारी, कहने लगा कि भाई हमें आपके टर्म्स अच्छे नहीं हैं, हमें तो टर्म्स अच्छे करने दो इंडिया के साथ, हम तो अच्छे तलुकात करेंगे, हम तो तरक्की करना चाहते हैं। आपने टर्म्स एंड कंडीशन किसी भी इंडिया को छोड़ो, आप बताओ चाइना के अलावा आपके किसके साथ अच्छे हैं? इस तरह से आगे से सऊदी अरेबिया ने जवाब दिया। क्या हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि सऊदी अरेबिया भी हमें इस तरह जवाब देगा? असल में बात यह है कि सऊदी अरब ने जो भी जवाब दिया बिल्कुल ठीक दिया है। वहाँ एक इंडिया नहीं है, G20 आ रहा है, ठीक है ना? इंडिया तो आता है 19वें नंबर पे होगा, हम 20वें पे हो गए, हम है ही नहीं सर G20 का हिस्सा ही नहीं, नहीं है ना। मगर यह है कि हमें जाना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए, G20 के जितने मेंबर हैं, अगर इंडिया हमसे बात नहीं करता तो हम भी उससे बात नहीं करते। एक फैक्ट है ना सर, यहाँ पर मसला ये है, समझने का मसला है। G20 की मीटिंग के अंदर ग्रैंड इकोनॉमी वाले कंट्रीज हैं, हमारी इकोनॉमी के पास एक $1 बिलियन भी नहीं है, तो हम तो ग्रैंड तो ना हुए। इसमें सिर्फ ग्रैंड कंट्रीज हैं जो बड़ी 20 मुल्क हैं, सिर्फ उनको इनवाइटेड किया गया। तो अभी पाकिस्तान ने टर्की को भी कोशिश की कि टर्की भी ना जाए, लेकिन टर्की भी G20 की मीटिंग के लिए इंडिया जा रहा। इंडिया ने कश्मीर के अंदर रखवाया, और कश्मीर के अंदर सिर्फ इसलिए मीटिंग रखवाई है ताकि हम पाकिस्तानी यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ पर ये समझते हैं कि इंडिया के कश्मीर के अंदर जुल्म होता, तो इंडिया ने कहा कि मैं कश्मीर की G20 की मीटिंग कश्मीर में रखवाऊँगा और पूरे पाकिस्तानी आके देखेंगे। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? अगर तो कश्मीर का मसला है ना, कश्मीर पे जो वो जुल्म कर रहा है वो तो कर ही रहा है, ये G20 की मीटिंग वहाँ रखने पे ये वो जुल्म कम तो नहीं कर देगा। वो वहाँ के मुसलमानों को मार रहा है, बल्कि वो अपने अंदर उसके मुसलमान जो हैं उन्हें भी मार रहा है। तो ये तो वो कर रहा है, ये सारी दुनिया को पता है। अगर लोगों ने वैसे आंखें बंद की हुई है तो वो अलग बात है,
ये ईरान को भी पता है, तुर्की को भी पता है, ये सऊदीया को भी पता है, सबको पता है कि वो मार रहा है। एक सवाल यहाँ पर ये एक और मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आपको पता है कि हिस्ट्री के अंदर जो पूरी दुनिया के आप निकालेंगे ट्रैवल्स के अंदर, पिछले साल के निकालेंगे ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है कश्मीर के अंदर गए हैं, श्रीनगर के अंदर, इंडिया के कश्मीर के अंदर। मुझे बताइएगा कि एक फैक्ट है, एक इंसानी दिमाग के अंदर ये सवाल आ ही जाता है जब लोग कहें कि जुल्म बहुत ज़्यादा हो रहा, वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा, नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, तो एक इलाके में जुल्म भी हो रहा, हम कहते हैं कि वहाँ पर लोगों को भी मारा जा रहा, और वहाँ पर हम ये भी कहते हैं कि टूरिस्ट जो है वो रिकॉर्ड तोड़कर कश्मीर के अंदर जा रहे हैं। सर ये बात कहीं समझ आती है आपको? और G20 की मीटिंग भी वहाँ पर रखवाई जा रही है, इस चीज़ का आंसर दे दें। असल में बात यह है कि जहाँ तक तल्लक है, टूरिस्ट का तल्लक है ना, टूरिस्ट पाकिस्तान से तो नहीं जा रहे, मुसलमान तो नहीं जा रहे, वो तो और मजाहब के लोग जा रहे हैं वहाँ। मुसलमान भी जा रहे? मुसलमान बहुत कम है, ना होने के बराबर जा रहे हैं जी। इतना हम रिसर्च की हुई है, इतनी अवेयरनेस हम भी रखते हैं, आपने तो रिसर्च की हुई है, हमें भी पता है वहाँ के जो मुसलमान है। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि आप Y20 की मीटिंग के अंदर थी, ऐसा समिट जिसके अंदर टर्की तक आया हुआ था, चाइना मस्कर आ गया, और जो अरेंजमेंट्स हमें नजर आ रहे थे ऑन स्क्रीन, जो हम देख पा रहे थे, दैट वाज अमेजिंग। उसको लेकर पाकिस्तान की तो आंखें खुली रह गई हैं, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया सोच रही थी अगर Y20 में ये हाल है तो G20 में क्या होगा, क्या कहेंगे? जैसे कि यू नो कश्मीर में Y20 होना, G20 होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। यहाँ की यूथ के लिए इट्स मतलब सबसे बड़ा दरवाजा है ये, टू ओपन इट फॉर देयर बेटरमेंट, फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट, फॉर ब्रॉडनिंग देयर विजन, यू नो उनके लिए और एम्प्लॉयमेंट के वसीले खड़ा करना। तो मैं ये समझती हूँ कि इंडिया की प्रेसिडेंसी में कश्मीर में Y20 होना, और उसमें मतलब ए पोलिटिकल सारे जितने भी टॉपिक्स है वो सारे डिस्कस हुए, एंड जैसे कि एज आई वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया देयर एंड आई बिलोंग टू कश्मीर, सो ए कश्मीरी यूथ वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, यू नो इट्स अ बिग डील, एंड आई गॉट टू इंटरेक्ट विद नेशनल पैनलिस्ट, इंटरनेशनल डेलीगेट्स एंड ऑल द डेलीगेट्स अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड ऑफ कोर्स आई वाज फीलिंग गुड कि यार आई एम गेटिंग टू एक्सचेंज माई विजन, माई आइडियाज, माई व्यूज। तो मुझे लगता है उससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है टू फॉर ए यू नो फॉर यूथ ऑफ कश्मीर, एंड दिस इज अ वेरी बिगिनिंग। इंशाल्लाह इसके आगे अभी बहुत कुछ कश्मीर के यूथ के लिए होने वाला है। फरहाना, क्या इससे पहले कभी कश्मीरियों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया था टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स? ऑफ कोर्स नॉट, आई डोंट थिंक, आई इफ यू आस्क मी आई मे बी रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इससे पहले कभी मिला है कश्मीरियों को। G20 इज लाइक लीडरशिप ऑफ 20 कंट्रीज, इट्स अ बिग डील, तो उसमें कश्मीरी यूथ अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई थिंक ये पहला ऐसा मौका है जो कश्मीरी को मिला है, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, वेरी ग्रेटफुल फॉर द ऑर्गेनाइजर्स कि उन्होंने कश्मीर में इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने की सोची। फरहाना जी, इसके अंदर टर्की जो है वो आया, जो कि पहले प्लान नहीं था, पहले SCO की मीटिंग में या उससे पहले जितने भी सिनेरियोज हुए कहीं से नहीं दिख रहा था कि टर्की इसका पार्ट बनेगा, बट ऑन 11th आवर टर्की पहुंच गया इसको अटेंड करने, जिसकी बहुत ज्यादा जलन हुई पाकिस्तान को। तो अंदरूनी हालात टर्की को देख के क्या थे वहां पर? ऐसा कुछ नहीं है टर्की को देख के, ऐसा कोई नहीं हुआ कि जेलिसी है और समथिंग, इनफैक्ट वी वर हैप्पी, जितने भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे वो तो हमारे लिए अच्छा है कि हमारे यू नो इट्स काउंटिंग द स्टार ऑफ अवर यूनिफॉर्म काइंड ऑफ, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम चलो 19 नहीं 20 कंट्रीज है, टर्की ऐड हो गया, तो अब वी आर एबल टू इंटरेक्ट टू मोर एंड मोर कंट्रीज, लीडर्स ऑफ मोर एंड मोर कंट्रीज, सो इट्स वेरी बिग थिंग फॉर अस, एंड वी एज अ कंट्री एंड एज अ होस्ट एंड इंडिया के भी प्रेसिडेंसी है नवंबर तक, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन वी विल बी जेलस ऑफ एनी थिंग और एनी कंट्री, वी एज पर आई सॉ एज पर आई नोटिस्ड वी लिटरली वेलकम्ड एवरी कंट्री टू कम टू कश्मीर और एनी अदर स्टेट ऑफ कंट्री ऑफ इंडिया एंड एक्सचेंज देयर व्यूज, बिकॉज जो भी आए डेलीगेट्स, जितने भी इंटरनेशनल डेलीगेट्स थे, दे वर नॉट जस्ट कॉमन पीपल, दे वर हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल, सो इंटेलेक्चुअल पीपल फ्रॉम टर्की रियली मीन्स अ लॉट टू अस, यू नो मतलब उनके साथ बैठना, उनके साथ तबादले ख्याल करना, ये बहुत एक बड़ी बात है। आई डोंट नो इंडिया इसमें काइंड ऑफ, बिकॉज जेलसी वही जगह होती है जहाँ पे इनसिक्योरिटी होती है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक इंडिया वॉज एवर इनसिक्योर ऑफ एनी अदर कंट्री। डिफरेंस वहाँ के लोगों में आया,
आप कश्मीर में जाएंगे ना, आपको कश्मीर के लोग ही कहेंगे कि हमने पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें अलग मुल्क चाहिए। डेफिनेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? आप सुनाएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। चलिए, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम G20 की बात करते हैं जो कि श्रीनगर में होने वाली थी कश्मीर के अंदर, तो पाकिस्तान ने स्टांस लिया कि हम उसको अटेंड नहीं करेंगे। अगर बाकी मुस्लिम ममालिक की बात की जाए तो सारे के सारे G20 मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। आपके ख्याल में जो मुस्लिम ममालिक है उसको पाकिस्तान का स्टांस लेना चाहिए या जाना चाहिए मीटिंग अटेंड करने के लिए? If you ask me, तो ये बताएं G20 है क्या? G20 एक ऐसी मीटिंग है जहाँ पर ऐसी जो सारी कंट्रीज हैं कलेबोरेट करती हैं जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग होती हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान वैसे भी G20 का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी उसको इनवाइट किया गया वहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद वो रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि ये जो मीटिंग है कश्मीर में रखवा दी गई है? आई थिंक इसने पाकिस्तान में एक वो बड़ा शेयर चलता है कि बादशाहों में बैठने से बेहतर है बंदा फकीरों में बैठे नवाब बनकर। तो शायद पाकिस्तान नवाब बन के बैठना चाहता होगा अपने जैसे लोगों में, दैट्स वाई पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया। कहना चाहूँगा कि कश्मीर का जो पाकिस्तानी मौकिफ था उसको कहीं पर भी कंसिडर नहीं किया गया, और WHO भी बस इस चीज़ में हम करारदादे पास करती रही है और उसने कुछ किया नहीं है। तो पाकिस्तान की नाराज़गी इस सूरत में बनती है कि जब हम लोगों ने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा कंसिडर किया था, उसको पाकिस्तान का हिस्सा ना समझ के जब इंडिया के हिस्से में आपने भेजा है, वो चीज़ हमारे लिए काबिले कबूल नहीं है। तो ये मीटिंग हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये चीज़ हमारे लिए काबिले कबूल क्यों नहीं है? देखिए, पहले पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत पीछे है, डेवलपमेंट कहाँ पर हो रही है? नज़र आ रही डेवलपमेंट? वो डेवलपमेंट है। हाँ जी, यहाँ पर रोड्स बन रही है, डेवलपमेंट है। जमान पार्क बन तो गया इतना बड़ा, तो उसका क्या करें? इकोनॉमिकली कहाँ पर है हम लोग? इकोनॉमिकली पाकिस्तान ठीक है, स्टेबल नहीं है, लेकिन एक कौम किस चीज़ पर स्टैंड करती है? कौम अपनी आवाम पर और अपनी खुददारी पर स्टैंड करती है। अगर आपकी खुददारी को हम लोग कोई भी मुल्क कंसिडर नहीं करेगा, आप किसी दूसरे मुल्क को किस तरह कंसिडर कर सकते हो? आपका स्टांस कहीं से भी कंसिडर किया ही नहीं गया। पाकिस्तान का मौके पर कश्मीर उसका हिस्सा है, आपने उस चीज़ को माना ही नहीं है, ना WHO ने माना, ना इंडिया ने माना, ना एशिया ने माना। तो पाकिस्तान किस वजह से उनको ज्वाइन करे अगर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये उनका इशू नहीं। चले, मेरा अगला सवाल ये कि जहाँ पर अगर हम हिना रुबानी की बात करें, उन्होंने कहा कि जो कश्मीर का मसला है वो बायलेटरल नहीं है, ठीक है, हम उसको UN में डिस्कस कर सकते हैं सिर्फ, लेकिन जब भी हम इंडिया जाते हैं, जैसे कि बिलावल भुट्टो ने विजिट किया इंडिया को, हमने पहला मुद्दा ही कश्मीर का उठाया, क्यों उठाया वहाँ जाकर? देखिए, सबसे पहले हम लोग ये कहते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ में तरक्की करनी है, कुछ शुरू करना चाह रहे, चेंज करना है, वो अपने से शुरू करें। हमारे सबसे क्लोजेस्ट टाइम कौन था? इंडिया था। हमने उनको ये चीज़ बतानी है कि हमारे लिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो कश्मीर की आवाम है, कश्मीर के लोग हैं, वो हमारे हैं, वो जगह वो पाकिस्तान के लिए जन्नत है, पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर वो इंडिया में ये चीज़ बोलेंगे तभी तो पता चलेगा कि भाई ही इज़ ब्रेव इनफ, चाहे उसके बारे में हम कुछ भी कहते हैं, ही इज़ ब्रेव इनफ कि उसने एक दुश्मन मुल्क में जाके जिनके साथ उनकी थोड़ी सी भी नहीं बनती, वहाँ पे जाके वो ये वाली बात कर रहे हैं कि भाई कश्मीर हमारा है और हम उसे हासिल करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं इस वक्त, टर्की की बात कर लें, सऊदीया की बात कर लें, दुबई वगैरह की बात कर लें, सारे के सारे इस वक्त रिजेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के स्टांस को कि पाकिस्तान गलत कर रहा है, उसको G20 अटेंड करनी चाहिए, तो जो मुस्लिम ममालिक अटेंड कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं अटेंड करके? देखिए, हर कौम का, हर कंट्री का, हर कौम का एक अपना मौका होता है, उनको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा होगा तो उसको अटेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट कश्मीर था, उसने ये चीज़ शो की है कि भाई कश्मीर जब तक हमारे, मतलब आप लोग कश्मीर, आप मुझे क्या दिखाना चाह रहे हो कि भाई मेरा मौकिफ कुछ भी नहीं रखता? अगर आप लोग ये दिखाना चाहते हैं, आप भी यूथ है, मेरा आपसे सवाल है कि हम कश्मीर की बात तब करते हैं जब 5 मई आता है, योम यकजहती, पूरा साल कश्मीर याद आता है। यस, आते हैं, क्या किया कश्मीर के लिए? चले, लेकिन हाँ, देखिए ये काम तो आप बताएं कश्मीर के लिए क्या किया? हम कश्मीर गए थे, आज़ाद कश्मीर या जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर भी गया था, आज़ाद कश्मीर भी गया। क्या डिफरेंस नज़र आया आज़ाद और जम्मू में? डिफरेंस वहाँ के लोगों में आया था। और आप कश्मीर में जाएंगे ना, आपको कश्मीर के लोग ही कहेंगे कि हमने पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें अलग मुल्क चाहिए। तो डेफिनेटली मेरा मुद्दा इस बात करने का ये है कि हम किस बिना पर कह रहे हैं कि G20 की मीटिंग श्रीनगर में क्यों रखवाई गई है, हमने वहाँ पर नहीं जाना, जबकि कश्मीरी कहते हैं कि हमें एक अलग स्टेट बना दिया जाए, ना इंडिया के साथ जाना चाहते ना पाकिस्तान। फिर हम क्यों बार बार किताबों में पढ़ के हमारी हुकूमत तब हमें ये जज्बा दिलाती है जब उनको खुद कोई मफाद होता है? तो हम यूथ हैं, हम सेंसिबल हैं, हमें खुद स्टांस लेना चाहिए। आपने न्यूज़ देखी होगी जम्मू कश्मीर की, वहाँ वो किसका झंडा लगाते हैं? पाकिस्तान का लगाते हैं ना। एक मुसलमान को होते हुए हमारा फर्ज बनता है कि अगर वो हमसे हेल्प मांग रहे हैं तो हम उनकी मदद करें। हमने किया मदद कभी? हम इनके एक आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि अभी आप खुद ही कह रहे हैं पाकिस्तान इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अभी पाकिस्तान कोई कर लेता है तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा एक किस्म का। इसराइल, ऑस्ट्रेलिया सारे उनके साथ ही, अमेरिका इंडिया के साथ, तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने पहले अभी सिर्फ आवाज़ उठाई है, अभी आवाज़ उठाएंगे तो कुछ बनेगा, अगर हम उनकी बात मानी जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं। आप कोई लास्ट मैसेज आप कन्वे करना चाहिए इस G20 की मीटिंग को लेकर कि पाकिस्तान को वाकई में ही मजबूत कदम रहना चाहिए कि हम नहीं जाएंगे चाहे कुछ जो कुछ मर्जी हो जाए? मैं बस आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि
आप मर्द वो होता है, बंदा इंसान वो होता है जो अपनी ज़ुबान का पक्का हो। पाकिस्तान इस पर खड़ा रहे और वी आर स्टैंडिंग विद इट, कॉज भाई अगर आप कोई चीज़ को कोई कंसीडर ही नहीं कर रहा, आप किसी और को क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो जैसे उसके साथ वैसा रहा जाए। थैंक यू सो मच फरहाना जी। आज मैं TV9 आप लोगों का चैनल इंडिया का, उसके ऊपर ये न्यूज़ देख रही थी कि पाकिस्तान को लेके बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी खदशात हैं G20 में इंडिया को, जिसकी वजह से कश्मीर में होने वाले श्रीनगर के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट भी कर दी गई और सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा इंतजाम भी किए जा रहे हैं, जितने पहले हो रहे थे उससे भी ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम पाकिस्तान इज़ सो मच जेलस ऑफ देम, क्योंकि पाकिस्तान शायद नहीं चाहता है कि G20 कश्मीर के अंदर हो या इवन G20 हो भी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन कि क्या सिक्योरिटी इश्यूज हैं और कौन से ऐसे इकदाम हैं जो इन फ्यूचर G20 से पॉजिटिव चेंजेस हैं जो G20 से आ सकते हैं इंडिया के अंदर? देखिए, एक ऐसी स्टेट जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जिसको पाकिस्तान ने हमेशा हथियार बना के इमोशनल हथियार और व्हाटएवर आगे दे हैव अटैक्ड इंडिया कश्मीर को हथियार बना के आउट ऑफ नो वेयर। मे बी दे आर मेकिंग नॉट मे बी आई एम वेरी श्योर दे आर मेकिंग पीपल फूल हेयर आउट ऑफ ऑन द नेम ऑफ रिलीजन ऑन द नेम ऑफ यू नो मेजॉरिटी, बिकॉज यहाँ पे कश्मीरी मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है ऑन दैट ग्राउंड और ऑन एनी अदर ग्राउंड। तो ऐसा ऐसी स्टेट का जो यूथ है वो आगे बढ़ेगा, वो अपनी कंट्री को के जो भी वसीले है उनको चैनलाइज करते हुए आगे बढ़ेगा, या हमारी कंट्री जैसे कि Y20 का G20 का प्लेटफॉर्म हमें मिलना ये बहुत बड़ी बात है। तो ऑफ कोर्स अगर हमें ये प्लेटफॉर्म मिलेगा हम तो पॉजिटिव वे में आगे जाएंगे, हम तरक्की करेंगे, हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी, हम इंडिविजुअली सस्टेन करेंगे, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। तो ये तो इनडायरेक्टली किसकी हार है, उस देश की, जो कि ऑफकोर्स कभी चाहता ही नहीं कि कश्मीरी यूथ जो है वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, हमेशा वो फसाद दंगे ड्रग्स वगैरह में मुलव्वस रहे। तो आई एम श्योर ऐसी जो भी कंट्री होगी जो ये सब चाहता होगा, व्हाई वुड दे बी हैप्पी कि कश्मीर को के यूथ के सामने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है इंडिया। तो आई थिंक आई कम्प्लीटली एग्री विद दिस थिंग। एंड रही बात जो भी सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो एज आई टोल्ड यू कि G20 Y20 का होना बहुत बहुत बड़ी बात है, एंड नवंबर तक तो अभी ये है हमारे पास। तो इन ऑर्डर टू मेक इट सक्सेसफुल आई डोंट थिंक एज ए कंट्री वी विल टेक एनी चांस कि हमें ज़रा सा भी कहीं पे प्रॉब्लम हो जाए, ज़रा सा भी हम कहीं पे, क्योंकि इंटरनेशनल डेलीगेशंस का आना इज़ अ बिग डील, एंड इंडिया अभी इज इन द प्रेजिडेंसी ऑफ इंडिया, इट्स लाइक ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ तो आप तो ये बोल रहे कि सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, यहाँ तो मई के महीने में सारे शूट्स बंद कर दिए गए, कोई शूट नहीं हो रहा है, क्योंकि हर एक, चाहे वो कॉमन बंदा हो, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, हर एक का अभी जो तवज्जो है इस G20, एवरीवन इज ट्राइंग टू मेक इट सक्सेसफुल इन इंडिया एंड इन कश्मीर एज वेल। तो आई थिंक उस चीज के हवाले से सिक्योरिटी का बढ़ाना एंड मेजर एक्सट्रीमली मेजर्स लेना या नए मेजर्स सिक्योरिटी के लिहाज से, आई थिंक इट्स द नीड ऑफ एन आवर।